गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, Hotstar और G5 से रिलेटेड अपडेट के बारे में। यानी कि आज मैं बात करूंगा इनके अपकमिंग मूवीज और टीवी शोज के अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ इसी वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ Marvel DC के अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले बस आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरे अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जाके पहले सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारे अपडेट पहले पता चल जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं OTT अपडेट्स के बारे में। तो Amazon Prime ने अपनी तरफ से ऑफिशियली खुशखबरी दी है सभी DC फैंस के लिए कि फ्लैश के सारे सीजन आप Amazon Prime पर अभी राइट नाउ जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी इन इंग्लिश में। हिंदी का कोई भी अपडेट नहीं आया, तो जैसे अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। साथ ही साथ आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि टोटल जितने भी सीजन आए हैं, अब जो अपकमिंग सीजन है सीजन 8, वो भी आपको Amazon Prime पर डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है हम फैंस के लिए जो कि DC की टीवी सीरीज देखना चाहते थे। अब तक तो हम मार्वल्स की देख रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर Amazon Prime पर फ्यूचर में भी हम DC की टीवी सीरीज देख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं जिनकी अब रिलीजिंग डेट कंफर्म हो चुकी है। तो सबसे पहले G5 पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट 27 मई को फ्रेंड्स रियूनियन इंग्लिश में रिलीज होगी, 12:32 पर रिलीज होगी 27 तारीख को, तो याद रखिएगा। उसी के साथ 31 मई को रिलीज होगी सुपर गर्ल का न्यू सीजन, और पुराने सीजन भी आपको देखने को मिल जाएंगे Amazon Prime पर, तो याद रखिएगा 27 तारीख को। उसी के साथ नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली अनाउंस करी अपनी हॉरर 3 मूवी की ट्रिलॉजी, जो कि 2 जुलाई, 9 जुलाई और 16 जुलाई को रिलीज होगी, हिंदी में रिलीज होगी, याद रखिएगा। उसी के साथ डूम, जो कि एक न्यू सीरीज है Amazon Prime की, 4 जून को रिलीज होने वाली है, हिंदी, तमिल, तेलुगु में ये रिलीज होगी, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। उसी के साथ नेटफ्लिक्स की एक बेहतरीन मूवी स्केट गर्ल, जो कि हिंदी में रिलीज होगी 4 जून को, देखिएगा जरूर, इंडियन कल्चर के ऊपर है, जिसमें कि स्केट वर्ल्ड का एक नया दौर आता है। फिर उसके बाद एक बॉलीवुड मूवी आ रही है जो कि सीधा डायरेक्ट आपको Amazon Prime पे देखने को मिलेगी, कोई जाने ना, 4 जून को रिलीज होने वाली है ये मूवी, और इसमें आपको आमिर खान भी देखने को मिलेंगे, और देन ये मूवी अब डायरेक्ट OTT पे भी रिलीज हो रही है, और 4 जून को ही आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पे एक जॉम्बी मूवी। जी हाँ, तो बहुत ही कमाल की, देखिएगा जरूर। चलिए अब बात करते हैं उन अपडेट्स के बारे में जिनकी रिलीजिंग डेट कन्फर्म नहीं है पर वो फ्यूचर में आएंगी। तो चलिए सबसे पहले जो टीवी सीरीज आ रही है वो है द फैमिली मैन सीजन 3। जी हाँ, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इस सीरीज का तीसरा सीजन भी आएगा, जो कि Amazon Prime पर रिलीज होगा, पर रिलीजिंग डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। उसी के साथ बिल बॉटम, जो कि अक्षय कुमार की न्यू अपकमिंग स्पाई थ्रिल मूवी है, ये डायरेक्ट आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलेगी, इसका अभी तक कोई भी रिलीजिंग डेट का कंफर्मेशन नहीं हुआ है। उसी के साथ DC लेजेंड्स ऑफ टुमारो, जो कि बेहतरीन DC की टीवी सीरीज है, जो कि Amazon Prime पे देखने को मिलेगी, पर रिलीजिंग डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। उसी के साथ ट्रायल बाय द फायर, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी हिंदी लैंग्वेज में, पर अभी तक रिलीजिंग डेट कंफर्म नहीं है, तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। उसी के साथ गौतम, इसके आपको सारे के सारे सीजन Amazon Prime पे देखने को मिलेंगे, पर अभी तक रिलीजिंग डेट कंफर्म नहीं हुई है। और उसी के साथ अगली जो टीवी सीरीज है वो है एरो, मेरी फेवरेट भी है, और अभी तक इसकी रिलीजिंग डेट कंफर्म नहीं हुई, पर इसके भी आपको सारे सीजन Amazon Prime पे देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ बॉलीवुड अपकमिंग मूवी हंगामा 2, इसका पहला पार्ट मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, इसका अब दूसरा पार्ट भी आ रहा है, जो कि आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिलेगा, पर अभी तक रिलीजिंग डेट इसकी भी कंफर्म नहीं हुई है। उसी के साथ बेहतरीन मूवी RRR, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने को मिलेगी, और इसी के साथ आपको G5 पर भी देखने को मिलेगी, और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि ये डायरेक्ट आपको OTT पे देखने को मिल जाएगी। और देन उसी के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे भूत पुलिस आप देख सकते हैं, जिसकी अभी तक रिलीजिंग डेट कंफर्म नहीं हुई है। और चलिए अब बात करते हैं DC यूनिवर्स के अपडेट्स के बारे में, जो कि अभी हाल ही में आए हैं और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो सबसे पहले जो टॉप ज़्यादा चर्चा में है DC यूनिवर्स का अपडेट है वो है ब्लैक एडम। तो फाइनली ब्लैक एडम की न्यू सेट इमेजेस सामने आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही है, और देन सीन देख के पता चल रहा है कि कोई पुराने ज़माने का सीन शूट हो रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और साथ ही साथ ब्लैक एडम यानी कि रॉक, जो इनका मेन एक्टर है, उन्होंने एक इमेज लुक दिखाया जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरर एकदम खतरनाक लग रहा है। और इसी के साथ एक न्यू सेट इमेजेस आई है, जिसमें कि हमें फ्लैश मूवी में बैटमैन देखने को मिलेंगे, ब्रूस वेन की ये कुर्सी है, ठीक है, अब ये माइकल कीटन की कुर्सी है, आपको क्लियर कर दूं पहले से ही। उसी के साथ रॉक ने एक इंस्टाग्राम पे एक और इमेज डाली थी, वो भी ब्लैक एडम की, जिसमें उनका कॉस्ट्यूम हल्का सा दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ से, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, और रॉक ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी इस कैरेक्टर के लिए। देखते हैं सजाम का जब क्रॉसओवर होगा इसके साथ, तो पता नहीं सजाम कितना पिटेगा, जैसा कि इनविजिबल मैन में हुआ था। चलिए अब बात करते हैं मार्वल्स के अपडेट के बारे में। तो फाइनली मार्वल्स से बहुत कमाल के अपडेट्स आए हैं। तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 से रिलेटेड एक अपडेट है, वो अपडेट है कि लंदन में शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, काफ़ी लोग कह रहे थे आगे से शूटिंग स्टार्ट होगी, पर प्रेजेंट में शूटिंग चल रहा है और प्रोडक्शन वगैरह पे काम हो गया, और केविन ने कंफर्म कर दिया है कि वो इसमें कोई कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं।
और उसी के साथ सेबेस्टियन स्टैन जो कि विंटर सोल्जर का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो मार्वल में फ्यूचर में और भी इस कैरेक्टर को लेके नई नई टीवी सीरीज में काम करेंगे। और देन उसी के साथ केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया है कि स्कारलेट विच एक्चुअली में दूसरे यूनिवर्स में टाइम ट्रेवल कर चुकी थी इस वाले सीन में। तो देखते हैं इन फ्यूचर हमें क्या देखने को मिलेगा। और उसी के साथ केविन फाइगी ने एक और चीज कंफर्म करी कि लोकी मल्टीपल यूनिवर्स कैरेक्टर में मल्टीपल कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे आयरन मैन टोनी स्टार के। और उसी के साथ स्पाइडरमैन 3 में आपको स्पाइडरमैन अमेजिंग के और पुरानी वाली स्पाइडरमैन के बीएफएक्स आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो उसका मतलब मल्टीवर्स का कुछ तो कॉन्सेप्ट चल रहा है। और देन टोटल फिल्म मैगजीन ने ऑफिशियली कैरेक्टर पोस्टर आज रिलीज कर ही दी है, और तो और लोकी के ये फर्स्ट लुक कवर भी रिलीज कर दिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल के लग रहे हैं। और देन थोड़ा बस स्ट्रोक ज़्यादा ग्रीन कलर का दे दिया जो कि अच्छा नहीं लग रहा है, उनको देखना चाहिए था चीज़ को लेके। उसी के साथ कैट जो कि वांडा विजन में बहुत कमाल का अपनी एक्टिंग का अदा दिखा चुकी हैं, तो फाइनली उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि फ्यूचर में और भी छोटे छोटे सीन्स करेंगी मार्वल्स टीवी सीरीज में और मूवीज़ में। और देन एक फाइनली अपडेट, स्पंजबॉब की अपकमिंग मूवी आ रही है, जी हाँ, जो कि एक स्पिन ऑफ होगी कैंडिस की जो कि गैलरी है उसके ऊपर ये मूवी बनेगी, और देन उसकी ओरिजिन देखने को मिलेगा। तो गाइस ये थे वो काफ़ी सारे कमाल के अपडेट। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।